वेलकम टू एस एस पी मैथ। टुडे वी आर गोइंग टू टेक सम प्रॉब्लम्स ऑन कोशीज लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज सॉल्व डी एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स। इन लास्ट वीडियो वी ऑलरेडी सीन हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। सो दिस इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट। फर्स्ट वी हैव टू रिड्यूस दिस कोशीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट एंड देन वी कैन राइट इट्स सोल्यूशन सी एफ प्लस पी आई। सो फॉर रिड्यूसिंग दैट वी हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन हियर। एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू जेड और जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स। नाउ इफ यू यूज दिस सब्स्टिट्यूशन देन अगेन वी हैव टू यूज एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी वाई। कैपिटल डी इज हियर डी बाई डी एक्स। देन एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिस इज डी इंटू डी माइनस वन वाई। नाउ यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन हाउ वी राइट गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स डी इंटू डी माइनस वन वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। सो द वैल्यू ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज कैपिटल डी वाई प्लस फोर वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स। वॉट इज लॉग एक्स? लॉग एक्स इक्वल टू जेड। सो कॉस जेड प्लस एक्स एक्स इज इरेज टू जेड। सो इरेज टू जेड इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स। सो साइन जेड। नाउ फ्रॉम एल एच एस इफ यू टेक वाई कॉमन देन दिस बिकम्स मल्टीप्लाई दिस डी इन साइड ब्रैकेट। सो डी इंटू डी इज डी स्क्वेर माइनस डी दिस माइनस डी प्लस फोर इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस जेड प्लस ई रेस टू जेड इंटू साइन जेड। सो दैट इज फाइ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड फॉर्म ए। सो हाउ वी राइट सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्यूशन इज हियर वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। फाइ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ जेड मीन्स दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट। सो अप टू दिस स्टेप ओनली न्यू पार्ट इज हियर। नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वी हैव टू टेक ऑक्सिलरी इक्वेशन दैट इज डी स्क्वेयर माइनस टू डी प्लस फोर इक्वल टू जीरो। नाउ वॉट आर द रूट्स ऑफ दिस डी स्क्वेयर माइनस टू डी प्लस फोर? फॉर दैट वी हैव टू यूज माइनस बी प्लस माइनस फॉर्मूला हियर। सो डी इज इक्वल टू माइनस टू मीन्स बी इज इक्वल टू माइनस टू ए। सो माइनस माइनस प्लस टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस टू स्क्वायर इज फोर माइनस फोर ए सी दैट इज फोर इंटू वन इंटू फोर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए। ए इज वन। सो दिस इज इक्वल टू टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ फोर इंटू फोर इज सिक्सटीन फोर माइनस सिक्सटीन इज माइनस ट्वेल्व अपॉन टू इज इक्वल टू वन प्लस माइनस रूट थ्री आई मीन्स दिस ट्वेल्व राइट फोर इंटू थ्री एंड फोर स्क्वायर रूट ऑफ फोर इज टू टू गेट कैंसल रूट ऑफ माइनस वन इज आई। So these are the roots. Equate this with alpha plus minus I beta. Now how we write CF here? So CF is equal to e raised to alpha x. So e raised to alpha is 1 here. Here capital D is d by dz, not d by dx. So CF is e to the power z into c1 cos root 3z plus c2 sin root 3 z. Now finally we have to put the value of z here in terms of x. So what is it? E raised to z in terms of x, that is x. So x into c1 cos of root 3 log x, z is log x, plus c2 sin of root 3 log x. So this is the complementary function. Now we have to find particular integral. So for particular integral we know formula 1 upon phi of d into f of x. So here instead of f of x use f of z. So particular integral is equal to 1 upon phi of d. Phi of d is
डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस फोर इंटू एफ ऑफ जेड. एफ ऑफ जेड इज राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज कॉस जेड प्लस ई रेस टू जेड इंटू साइन जेड. नाउ हाउ वी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल हियर, सो हाउ टू स्प्लिट दिस प्रॉब्लम इन टू पार्ट्स. इक्वल टू वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस फोर इंटू कॉस जेड प्लस वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस फोर इंटू ई रेस टू जेड साइन जेड. सो फॉर फर्स्ट वन वी हैव टू रिप्लेस डी स्क्वायर बाय माइनस ए स्क्वायर. यूज शॉर्टकट मेथड हियर बिकॉज ए इज वन. माइनस वन स्क्वायर इज हियर माइनस वन माइनस टू डी प्लस फोर मीन्स वी हैव टू रिप्लेस डी स्क्वायर बाय माइनस ए स्क्वायर. एंड इन सेकंड ई रेस टू ए एक्स इंटू वी ए. सो ई रेस टू जेड टेक आउटसाइड एंड रिप्लेस डी बाय डी प्लस ए. सो ए इज वन हियर, दैट इज डी प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर माइनस टू टाइम्स डी प्लस वन प्लस फोर इंटू साइन जेड. सो दिस इज इक्वल टू वन अपॉन दिस फोर माइनस वन इज थ्री माइनस टू डी इंटू कॉस जेड हियर प्लस ई रेस टू जेड इंटू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस डी प्लस वन होल स्क्वायर इज डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन माइनस टू डी माइनस टू प्लस फोर इंटू साइन जेड. नाउ हियर अगेन वी वॉन्ट डी स्क्वायर, सो टेक रैशनलाइजेशन थ्री प्लस टू डी अपॉन थ्री माइनस टू डी. रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ थ्री माइनस टू डी इज थ्री प्लस टू डी. सो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय थ्री प्लस टू डी इंटू कॉस जेड प्लस ई टू द पावर जेड. हियर दिस टू डी गेट कैंसल. वन माइनस टू इज माइनस वन, माइनस वन प्लस फोर इज थ्री, दैट इज वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस थ्री इंटू साइन जेड इज इक्वल टू दिस इज थ्री प्लस टू डी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो हियर थ्री स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, टू स्क्वायर इज फोर इंटू डी स्क्वायर कॉस झेड प्लस ई टू द पावर झेड. रिप्लेस डी स्क्वायर बाय अगेन माइनस वन स्क्वायर इयर. सो वन अपॉन माइनस वन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू साइन झेड. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप हियर here again replace d square by minus a square. So this is equal to 3 plus 2d upon 9 minus 4 into minus 1 square cos z plus e to the power z into 1 upon here 3 minus 1 is 2 into sin z. So this is equal to 9 plus 4 is 13, 1 upon 13 into 3 cos z plus 2d of cos z. D of cos z, d is d by dz, means take derivative of cos z is minus sin. So right here minus 2 sin z plus e raised to z upon 2 into sin z. And we know that z is equal to log x. So put here this is equal to 1 by 13 into 3 cos of log x minus 2 sin of log x plus e raised to z is x by 2 into sin of log x. And then how we write final solution here, y is equal to cf plus pi, means complementary function plus particular integral. So this is the complete solution of given differential equation. You write this here CF and PI. So next problem is solve x square d2y by dx square minus 4x dy by dx plus 6y is equal to x raised to 5. So this is again Cauchy's differential equation. So we have to convert this to LDA with constant coefficients. So how we convert? For that we have to use substitution. X is equal to e to the power z or z is equal to log x. And next substitution is here x into dy by dx is equal to capital dy. Then x square d2y by dx square is equal to d into d minus 1y.
So if we use this substitution here, then given differential equation becomes d into d minus 1y minus 4dy plus 6y is equal to x to the power 5. So what is the value of x? X is e raised to z, so e to the power z raised to 5. Okay. Now from LHS take y common. If you take y common, multiply this d inside. So d into d is d square minus d minus 4d plus 6 into y is equal to, we know that a raised to m raised to n is a raised to mn. So this is e to the power 5z. So this is phi of d into y is equal to f of z again. So what is the complete solution of this? Complete solution is y is equal to cf plus pi. Now for complementary function, we want roots of auxiliary equation. So what is auxiliary equation here? Auxiliary equation is d square minus d minus 4d, means that is d square minus 5d plus 6 is equal to 0. Now what are the roots of this? Two numbers whose sum is minus 5 and product is 6. I think that numbers are d minus 3 and d minus 2. So minus 3 into minus 2 is plus 6, and minus 3 minus 2 is minus 5 is equal to 0. So d is equal to 3 and d equal to 2. So these are the roots of auxiliary equation. Now using this root, we can write cf is equal to, here capital D is d by dz again. So cf in terms of z, how we write c1 e to the power 3z plus c2 e to the power 2z. And what is the value of e raised to z? E raised to z is equal to x. So e raised to 3z, e raised to 3z x cube, c1 x cube plus c2 x square, e raised to 2z is x square. So this is the complementary function. Now for solution, again we want particular integral. So particular integral, how we find? We know formula for particular integral. We have to take 1 upon phi of d. Now what is phi of d here? That is d square minus 5d plus 6 into f of x. Instead of f of x, we have to take here f of z. F of z is e to the power 5z. Okay. And e raised to 5z is, so which method is applicable here out of that three methods? Shortcut method, general method, or method of variation of parameter? I think we can use here shortcut method, because if f of x is equal to e raised to ax, then replace d by a. So put d equal to 5 here. So 5 square minus 5 into 5 plus 6 into e to the power 5z. So 5 square is 25, 25 get cancelled. This is e to the power 5z upon 6. And what is e to the power 5z? If we take power of e raised to z is 5 here, then we will get x to the power 5. So this is x raised to 5 upon 6. So this is the particular integral, and therefore how we write complementary solution of given differential equation, that is y equal to cf. First cf is c1 x cube plus c2 x square, and plus particular integral is x raised to 5 upon 6. So these are the some problems on Cauchy's homogeneous equation. You solve remaining problems. Thanks for watching.